ये तो ऐसे लोग हैं जब इनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे, इसलिए इसमें कोई दम नहीं संभाल। केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है प्रवक्ता पद से, सर कैसे देखते हैं? केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अब्जीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठने जा रहे हैं, जिस तरह से जो जाति आधारित जनगणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जिसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए और पूरे देश भर में जाति आधारित जनगणना को करवाने के लिए, इसी को लेकर जब सवाल किया गया जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से, तो उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को कह दिया है कि जो बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया गया है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कराया गया है। जो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, इसका भी रास्ता है जो हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केसी त्यागी जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ कारण है बताया है, पहले क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा? धरने पर बैठ रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर के। सर ऐसा है कि जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा देश में अकेला स्टेट बिहार है जहां करवाया, और उसके बाद जो भी उसमें एक्शन लेना था, अफर्मेटिव एक्शन, चाहे परसेंटेज बढ़ाना था रिजर्वेशन का, चाहे जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करना था, वो सारा काम शुरू किया। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जब इनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे, इसलिए इसमें कोई दम नहीं संभाल। केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है प्रवक्ता पद से, सर कैसे देखते हैं? केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए उन्हें इस पद। सर अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर के एक बयान दिया, श्याम रजक की घर, श्याम रजक की घर वापसी हो रही है। सर तो आपने सुना जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, किस तरह से केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यस्तता है, इसी के कारण वो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिए हैं। और जिस तरह से बात करें कि वो जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार को भी अपना सभी बातों को बताया है, और जिस तरह से बात करें कि जो तेजस्वी यादव हैं वो आज धरने पर बैठ रहे हैं, जिसको लेकर क्या कुछ कर रहे थे संजय जी आपने सुना, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं जो आज पटना में धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो हर एक जिला मुख्यालय में जाकर धरने दे रहे हैं, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का मांग है जो पूरे देश में करवाने की विपक्ष है जो लगातार कर रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव यह कर रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो और जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसको 9वीं सूची में शामिल करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से RJD के द्वारा यानी कि विपक्ष के द्वारा जो लगातार मांग की जा रही है और जिसको लेकर धरने पर बैठ रहे हैं, कहां तक ये सफल होता है। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।